धोखाधड़ी करने वाले दे रहे हैं धमकी। फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में कुछ लोगों पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़ित को मिल रही धमकी के मामले में पीड़ित ने आज एसएसपी के सामने पेश होकर फिर से एक तहरीर दी है। दरअसल मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है। पीड़ित फारूक का आरोप है कि विमल और जाकिर अली ने फ्लैट बेचने के नाम पर उससे लगभग 31,50,000 रुपए ठग लिए थे, जिस संबंध में एक महीने पूर्व एसएसपी मुरादाबाद के दमन पेश होकर एक तहरीर दी थी, जिस पर थाना सिविल लाइन में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी पक्ष ने मुकदमा वापस लेने की उसे धमकी देनी शुरू कर दी, जिसके चलते आज फिर वह इसकी शिकायत लेकर एसएसपी के पास आया है। मैंने अभी एक महीना पहले एसएसपी साहब को तहरीर दी थी, मेरे साथ ठगी हुई थी। मैंने 5 ओपनिंग फ्लैट दिए थे जाकिर राजी से, और इसका पार्टनर है क्या कहते हैं विमल भोला सिंह जी, मतलब दोनों ही हैं। अब इन्होंने मुझसे क्या कहते हैं पैसा लेके पूरा 30 लाख रुपए फ्लैटों के, और क्या कहते हैं उसके बाद स्टाम्प वगैरह साइन करके वो ये रजिस्ट्री ऑफिस से गायब हो गए। बोले मैं विमल को लेकर आता हूँ, तुम्हारी रजिस्ट्री कराता हूँ। शाम तक ये वहाँ पर नहीं बैठे। उसके बाद हमने इसको फ़ोन करा, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। 2-4 दिन बाद सबको इकट्ठा करके हमने कहा भाई रजिस्ट्री क्यों नहीं करा रहे आप? बोले भाई हम रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा, तुम्हारा पैसा वापस करेंगे। पैसा वापस करने के लिए इसने स्टाम्प करा एक 27 मार्च को तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। उस 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया, उसके बाद इसने पैसा फिर भी वापस नहीं करा। फिर इसने गाँव में लोग इकट्ठे हुए, पंचायत हुई, इसने कहा बोला भाई चलो मैं तुम्हें फ्लैट नहीं दे रही, तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ। 31,50,000 रुपए स्टाम्पों के और 30 लाख जो इसने हमसे लिए थे चेक द्वारा, RTGS द्वारा। बोले सब पैसा तुम्हारा वापस कर देता हूँ। इसने 31,50,000 के हमें चेक दे दिए, वो चेक हमने लगाए वो बाउंस हो गए। फिर हमने तो ये बोला दोबारा लगा दो, हमने दोबारा फिर लगाए, फिर वो बाउंस हो गए। फिर हमने देखा बोला वकील भी इसी के पक्ष का था, इसने वकील कराया था। तो हमने बोला कि रजिस्ट्री भी नहीं करा रही, चेक भी बाउंस हो रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे? फिर हमने जो है रजिस्ट्री ऑफिस से जो डिटेल निकलवाई तो उसमें हमें पता चला कि इसने जो है क्या कहते हैं जुलाई में 2019 जुलाई में पहले ही किसी को एग्रीमेंट कर रखे फ्लैट हो गए। उसके बाद वो जो एग्रीमेंट जो कर रखे विमल के भाई अमरपाल और प्रेमपाल के नाम, जब हमें पता चला तब हमने एसएसपी साहब के यहाँ अपनी तहरीर दी। उसके बाद प्रक्रिया हो गई, एफ आई आर हुई आज सुबह। जैसे इनको मालूम हुआ बोले FIR हो गई है, इन्होंने देखा माध्यम से इन्हें पता चला होगा, बोले FIR हो गई है, तो हमारे पास धमकी आनी शुरू हो गई। उस संबंध में आज मैं SSP साहब के यहाँ और थाने में दोनों ही जगह ये अपने तहरीर लेकर आया हूँ, ये देना है, ये धमकी मिल रही है। बोले तुम्हारे परिवार वालों को फंसा देंगे, तुम्हें फंसा देंगे। कितने लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा तो मेन आरोपी तो जाकिर अली है, उसके साथ में विमल है, बाकी आप धमकी जो इनके परिवार वालों की आ रही है। कौन दे रहा है आपको धमकी? जाकिर के परिवार वाले नासिर, राशिद, साकिर और क्या कहते हैं विमल के परिवार के दोनों भाई प्रेमपाल और अमरपाल, जिनके नाम एग्रीमेंट है। किस तरह की धमकी दी जा रही है? बोले हम भी तुम्हें देख लेंगे और तुम्हें इसका खामियाजा मुकदमा पड़ेगा, तुमने अच्छा नहीं करा हमारे नाम, या तो ये अपना तहरीर वापस लो, मुकदमा वापस लो केस, नहीं तो तुम्हारे अंजाम इसका अच्छा नहीं है। कितने लाख रुपये की ठगी थी? 31,50,000 की ठगी। तो आपने इसकी शिकायत थाना सिविल लाइन में भी की थी? नहीं, SSP साहब को करी। थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया? जी हाँ, यहाँ से SSP साहब के पास से CO साहब के पास गया, वहाँ से जांच हुई, उसके बाद थाने गया, वहाँ पर कल हमारा चिक है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। मैंने अपने बच्चों के लिए फ्लैट खरीदे थे, 4 बच्चियाँ मेरे पास, उनके भविष्य के लिए, जिसने मेरे साथ ठगी कर ली, पहली बार जिंदगी में फ्लैट खरीदे, मैं तो बहुत बुरा फंस गया। इस समय काम भी नहीं, कुछ नहीं, बहुत परेशान है। अब आज कप्तान साहब के पास आए? आज कप्तान साहब के पास आए, धमकी मिल रही है, बताऊँ क्या करूँ, कब कहाँ जाऊँ।